हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इंटरव्यू का टाइम आ चुका है। आज 27 तारीख है, 29 तारीख को इंटरव्यू है। तो 29 तारीख को आप सबसे मिलते हैं, जो जो आ रहा है इंटरव्यू में आप सबसे मिलते हैं 29 को, और 28 को जो जो पहुंच रहा है, तो कोशिश करेंगे हम उनको थोड़ा सा बेसिक्स बताने की कल की डेट में, ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए परसों में इंटरव्यू देना। तो कैटेगरीज तो आपको पता ही है ऑलमोस्ट क्या क्या है। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा ताकि जल्दी से जल्दी आपको तैयारियों के बारे में बता दें। 29 तारीख को सुबह 8:30 बजे आपने पहुंच जाना है। अपना एक कार्डबोर्ड लेके आना है, कार्डबोर्ड जो पेपर देने के लिए होता है, एक पेन और अपना साथ में एक वाटर बॉटल लेके आना, ठीक है? तो अब मैनेजमेंट में थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये आप अपना तैयारी करके आइए। तैयारी क्या क्या करनी है, एक तो स्पीकिंग की, मैं फिर से टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में कि कौन से टॉपिक्स आएंगे, उन टॉपिक्स में से आपने एक पेज लिखना है। तो वो तैयारी थोड़ी सी कर लीजिएगा, बाकी बेसिक्स चीजें और तैयारी कर लीजिएगा। जैसे इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, ठीक है, व्हाट्स योर नेम, गिव मी योर इंट्रोडक्शन, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, वेर आर यू वर्किंग नाउ, व्हाई डू यू वॉन्ट टू गो दुबई, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आप इनको बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है? ये बहुत जरूरी है, और आपको लिसनिंग सुनना पड़ेगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है? ये हो गया। बाकी ग्रामर पार्ट तो बहुत इजी होता है, उसमें चार ऑप्शन हो, 3 या 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक टिक लगाना है जो आपको लगता है कि ठीक है। जैसे आई ब्लैंक टू गो दुबई, आई वॉन्ट टू गो दुबई, ठीक है? तो वॉन्ट लिख, वाइंड वॉन्ट पे टिक लगा देना है, एज सिंपल एज इट, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। बेसिक्स वाला अच्छे से कर सकता है। बाकी देखो, सिक्योरिटी गार्ड के लिए अच्छी इंग्लिश चाहिए। इसके सेकंड कैटेगरी आ गई एयरक्राफ्ट क्लीनर, एयरक्राफ्ट लोडर, वेयर हाउस वर्कर्स, हाउसकीपिंग, कंस्ट्रक्शन की कुछ कैटेगरीज, ये सारी कैटेगरीज हैं। इनमें अगर आपने, आपको लगता है इसमें जाना है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। जो बिल्कुल अनपढ़ हैं उनके लिए तो कोई इंटरव्यू नहीं होगा, उनका तो बेसिक्स जो है वो जनरल क्लीनर में ही जाएंगे। वो एयरक्राफ्ट क्लीनर का काम सही है, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसके बाद जो नहीं होता है, हमारे पास कुछ और वैकेंसीज हैं, वो आपको उसी टाइम पे बता देंगे कि हाँ क्या चल रहा है। वो बहुत बेसिक्स है, जिसका सिलेक्शन नहीं होता है उसका हम दूसरे में भी कर सकते हैं। जैसे अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, हमें सऊदी अरेबिया के लिए एयरपोर्ट और वाटर पार्क के लिए जनरल हेल्पर और क्लीनर चाहिए। उसमें 1100 सैलरी रहेगी, 1100 सऊदी रियाल, मतलब 25-26 हज़ार सैलरी, प्लस ओवर टाइम, प्लस जो लगता है, तो 30-35 हज़ार तक की रेंज है। जिसकी जो इस रेंज में सेटिस्फाइड है, 30 से 40 हज़ार के बीच में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो हम देखेंगे, उसका भी कोशिश करूंगा मैं कि एक जनरल राउंड उसी दिन हम ले लें, जो सिलेक्ट नहीं होता उसका इसमें ले लें। बाकी एक और वैकेंसी है, उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो आपको ये सुबह 8:30 बजे पहुंचना है, ऑफिस है हमारा मोहाली में, खरड़ मोहाली में। एड्रेस आप ऑफिस से भी ले सकते हैं, और मैं भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप या गूगल पे सर्च कर सकते हैं ओशिन इंटरनेशनल, आपको आ जाएगा। यहाँ पे 35A नंबर बस आती है 17 सेक्टर से, 43 से भी मेरे हिसाब से आती होगी, 43 से होके आती है वो, तो हर आधे घंटे में बस यहाँ आती है। या फिर आप KFC है यहाँ पे 3 किलोमीटर यहाँ से, तो KFC के पास से भी आप ऑटो वगैरह ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो दियो नंबर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।